Let's start with the nature of root of the quadratic. ठीक है. Now what is the meaning of nature of root? ठीक है, nature of roots का मतलब यह है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं. बट अल्फा बीटा क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट? रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स का नंबर है, राइट? तो इंटीजर्स हैं. ऐसी चीजों को देखेंगे अगर, तो वो क्या चीज है? ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. चलो अब देखो, रूट्स जो होते हैं अल्फा कोमा बीटा, ये क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. ठीक है, दीज आर द रूट्स. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज. ठीक है, क्या ये रूट्स आए तुम्हारे? माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए. ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक चीज है जो तुम्हारी ऐड हो रही है एंड वही चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जाके दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन रही है. अब सोचो कि अगर ये चीज हो गई जीरो, तो डी अगर हो गया जीरो, ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या आ रहा है कि डी इज जीरो, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो. देखो अगर तो डी जीरो हो गया तो ये भी जीरो, तो ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी? माइनस बी बाय टू है. ये भी चीज बन जाएगी माइनस बी बाय टू है, राइट? तो दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे. यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो इन दैट केस रूट्स होंगे इक्वल एंड रियल, क्योंकि एबीसी रियल है. तो एबीसी रियल है तो बी बाय ए भी रियल होगा, तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल. एक तो ये चीज आ गई. ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि इन दैट केस अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा होगा. तो इन दैट केस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. नहीं आएगा, अब एक्स माइनस अल्फा ही आएगा. यानी कि दिस बिकम्स एक्स माइनस अल्फा को होल स्क्वायर. यानी कि क्वाड्रेटिक जो है दैट विल बी नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर. तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक होगी दैट विल बी नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, दो तीन चीजें मिली हमारी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो रूट्स यस डेफिनेटली रियल एंड इक्वल होंगे, बट इसके साथ साथ जो क्वाड्रेटिक होगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी. जो मर्जी हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो एक्स माइनस अल्फा सम लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी हो जाए. ठीक है, अच्छा. तो चाहे वो बोले कि एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सॉरी, 10 या फिर इसके रूट आर इक्वल. अगर दोनों में से कोई भी ऐसी चीज बोले तो क्या बोलेंगे हम? इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, यानी कि बी स्केयर क्या आ जाएगा? माइनस के का स्केयर के स्केयर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्सटीन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो के स्केयर इज इक्वल टू 64, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस. तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि k की वैल्यू प्लस माइनस 8 जाएगी. ठीक है, तो अपने आप ही हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये चीज प्लस माइनस 8 है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, राइट? तो ये अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. अब देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है या नहीं जा रहा. तो हमने पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, k की वैल्यू 8 ली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16. तो खुद सोचो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर जा रहा है, और इन केस अगर k माइनस 8 हो गया तो ये प्लस हो जाएगा. तो इन दैट केस x प्लस 4 का होल स्क्वायर चला जाएगा. बट जो भी है, चाहे वो x प्लस 4 का होल स्क्वायर जा रहा है, चाहे वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर जा रहा है, तो ये चीज बन जाएगी. यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बिल्कुल, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो पे परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है. अब देखो, इन केस डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली कुछ चीज ऐड होगी रूट बी के अंदर, माइनस बी के अंदर, एंड कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी माइनस बी के अंदर. तो ऑब्वियसली ये जो न्यूमरेटर आएगा ये बराबर नहीं हो सकता, तो अनइक्वल रूट्स आएंगे. कहने का मतलब ये है कि इस केस में रूट्स जो हैं वो तुम्हारे क्या होंगे? अनइक्वल. लेकिन रियल होंगे या नहीं होंगे ये नहीं अभी हम बोल सकते. क्यों? क्योंकि अगर देखो, अब डी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी चीज अगर जीरो नहीं है तो या तो वो नेगेटिव होगी या तो वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो या तो डी जो है वो नेगेटिव होगा या तो डी जो है वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, या तो डी जो है वो नेगेटिव होगा या तो डी पॉजिटिव होगा. अब अगर डी नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर डी नेगेटिव है तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? इमेजिनरी. यानी कि माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी
बाय टू ए, तो ये वाला पार्ट इमेजिनरी वाला पार्ट आ जाएगा, लेट्स से दिस इज पी, तो ये पी प्लस आइटा क्यू, एंड सिमिलरली ये आ रहा है माइनस बी बाय टू ए माइनस रूट डी बाय टू ए, यानी कि सिमिलरली आ जाएगा पी माइनस आइटा क्यू, मतलब जो चीज नेगेटिव है उसी का पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर एक प्लस आइटा क्यू है तो दूसरा साथ में माइनस आइटा क्यू आएगा आएगा, यानी कि जो रूट्स है इन दैट केस वो क्या होंगे हमारे डी नेगेटिव होने पे कॉम्प्लेक्स रूट्स, एंड रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब अगर एक रूट 2 प्लस 3 आइटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आइटा होगा ही होगा, लेकिन ये कब होगा अगर हमारे एबीसी रियल है तो, ठीक है, जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज 2 माइनस 3 आइटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं ढूंढने के, पहला अल्फा 2 माइनस 3 आइटा है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक जो जिसकी बात कर रहा है विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट बीटा जो है वो इसका कंजुगेट होगा, यानी कि वो 2 प्लस 3 आइटा होगा, राइट। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया दोनों को सम करके दैट इज 4 प्लस 3 आइटा माइनस 3 आइटा कटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 2 माइनस 3 आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा, तो याद है z into z mod क्या होता है, z into z conjugate क्या होता है, z mod का square, तो याद आएगा तुम्हारा 2 plus 3 iota का mod का square या फिर 2 minus iota का mod का square, so that is 4 plus 9 under the root, so that is root 13, sorry root 13 का square, so that is 13, तो ये आ जाएगा product, ठीक है। तो equation क्या जाएगी अब, x square minus fx plus p is equal to 0, यानी कि x minus 4 x plus 13 that is equal to 0, so this is the equation जिसका एक रूट जो है वो है 2 माइनस आइटा। देखो दूसरा रूट चाहे उन्होंने नहीं दे रखा था बट हमें खुद पता है कि अगर एक रूट 2 माइनस आइटा है तो दूसरा रूट 2 प्लस 3 आइटा होगा ही होगा, इसके अलावा दूसरा रूट कभी हो नहीं सकता, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा रूट है वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल चीज चली गई, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रूट जाएंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट होने के साथ साथ वो एक दूसरे के कंजुगेट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई। अब अगर डी हो जाए पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट जो होता है वो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, तो एक बार रियल नंबर एक दूसरे रियल नंबर के साथ ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो अनइक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो इस केस में आएंगे अनइक्वल लेकिन रहेंगे रियल रूट्स, ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। इस केस में रियल है तो कंजुगेट वगैरह नाम की कोई चीज ही नहीं बनती, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा यहां पे ना ये कंजुगेट के साथ लिख लो कि रूट्स जो होंगे दैट विल बी ऑफ द फॉर्म पी प्लस क्यू आइटा एंड पी माइनस क्यू आइटा, इस टाइप के रूट्स होंगे, कंजुगेट का मतलब ये, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके अलावा अब इसके अंदर आगे कंडीशन हो जाती है हमारी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर क्या चीज जाती है ध्यान से देखो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हुआ पॉजिटिव, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आप, ठीक है, यहीं से इसी के आगे ट्री आगे कंटिन्यू होता है, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है, या फिर ऐसे ठीक है, यहां से अब आगे ट्री कंटिन्यू होता है फ्लो चार्ट, देखो जरा। अब अगर डी पॉजिटिव है तो या तो डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, डी इज इक्वल टू सम नंबर का स्क्वायर, या फिर डी इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो इस केस में क्या जाएगा। अब इस केस में अगर डी तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो, ठीक है, तो देखो माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए, माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए, ठीक है, इन दिस केस ध्यान से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहां पे आ जाएगा रूट डी क्या आ जाएगा के, यहां पे क्या आ जाएगा यहां पर भी के, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल तो होगा नहीं, ये रैशनल, तो रैशनल 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 रैशनल, मतलब ओवरऑल जो चीज है वो रैशनल चली जाएगी। कहने का मतलब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इन दैट केस रूट्स जो होंगे वो जाएंगे रैशनल, एंड अगर डी परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ जैसे रूट टू रूट फोर
सॉरी रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, रूट थर्टीन, रूट ट्वेंटी सिक्स ऐसे आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे इरेशनल। तो इस केस में रूट जो होंगे वो होंगे इरेशनल टाइप के, ठीक है। लेकिन इरेशनल के अंदर भी ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस रूट, अब वी विल अज्यूम, लेकिन वी विल अज्यूम इसके अंदर कि ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज लेके जा रहे हैं, देखो अगर b रैशनल नंबर है, a रियल नंबर तो देखो है ही है, लेकिन उसके अंदर भी अब स्पेशल केस ले लिया रैशनल नंबर। अब b रैशनल नंबर है, a रैशनल नंबर है, q परफेक्ट, d परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो k इज आल्सो रैशनल नंबर, तो रैशनल प्लस रैशनल डिनोमिनेटर में रैशनल, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि रूट्स यहां पे रैशनल जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, माइनस बी प्लस बाय टू है रूट के बाय टू है, सॉरी रूट डी बाय टू है, एंड माइनस बी बाय टू है माइनस रूट डी बाय टू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा किस टाइप का, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आ जाएगा रैशनल बाय रैशनल रैशनल नंबर पी, इरेशनल बाय रैशनल इरेशनल नंबर, तो दैट इज प्लस रूट क्यू टाइप का, एंड ये आ जाएगा सिमिलरली पी माइनस रूट क्यू टाइप का, यानी कि अगर इरेशनल रूट्स हुए, इरेशनल रूट्स जो है वो तुम्हारे इस टाइप के होंगे, अगर ए बी सी तुम्हारे रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट विथ रैशनल कोफिशिएंट एंड वन रूट इज टू प्लस रूट थ्री, फाइंड द क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो यानी कि ए बी सी रैशनल हैं, ठीक है, और एक रूट, अब एबीसी रैशनल होने के बाद माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू है, माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू है, ये रैशनल, तो इरेशनल चीज यहीं से आ सकती है, तो यानी कि रूट थ्री अगर आया तो इधर से ही आया, यानी कि रूट डी जो है वो रूट थ्री प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा देयर इज नो अदर केस। तो कहने का मतलब ये है कि रूट्स हमारे जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू टाइप, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। यानी कि अगर एक रूट हमारा 2 प्लस 3 आयता है, तो दूसरा रूट इन दिस केस सेकंड रूट जो है वो हमारा 2 माइनस रूट 3 होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। देयरफॉर रूट्स आर 2 प्लस रूट 3, ठीक, कॉमा 2 माइनस रूट 3, तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, s, ठीक, दैट इज दोनों को ऐड करो तो दैट इज 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इंटू टू माइनस रूट थ्री, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1, तो इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, ध्यान से देखो, रैशनल 1 माइनस 4 एंड 1, राइट, एंड रूट इसका क्या होगा कि एक रूट इसका 2 प्लस 3 आइटा होगा ही होगा, सॉरी 2 प्लस रूट 3 होगा ही होगा, ठीक है। चलो तो ये इरेशनल का हो गया, अब आ गया रैशनल का। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट हमारे रैशनल जाएंगे जाएंगे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके आगे भी एक केस आता है कि रूट्स रैशनल तो है, रैशनल नंबर का एक स्पेशल केस आता है इंटीजर्स, तो इंटीग्रल रूट्स। अब इंटीग्रल रूट्स का क्या केस आता है, ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है, ठीक है। तो क्या चीज होती है, इंटीजर का बात है जब डिनोमिनेटर वन होता है, जैसे टू बाय वन, टू बाय थ्री, डिनोमिनेटर में थ्री है इसलिए ये नॉन इंटीजर है, डिनोमिनेटर में वन है और ऊपर इंटीजर, ऊपर बेसिकली क्या है, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंटीजर क्या होता है हमारा, जो नंबर लाइन पे हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो मार्किंग करते हैं ये इंटीजर होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, इस तरीके से नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर ले लो या नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 1, इन चीजों को हम बोलते हैं अपने इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यानी कि डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। अब ये 1 कब बनेगा, राइट, जब 2a1 होगा, लेकिन हम 2a को 1 नहीं करेंगे, हम बोलेंगे a1। ध्यान से देखना कैसे, a1 होना चाहिए, b एंड c जो है ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, z का मतलब इंटीजर्स, एंड डी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अब ध्यान से देखना ये मेरी चीज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऑब्वियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac है, a तो 1 हो गया, a बन गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4c,
ठीक है। अब बी अगर इंटीजर है, सी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ऊपर से परफेक्ट स्केयर जा रहा है, तो ये जो है परफेक्ट स्केयर ऑब्वियसली एक इंटीजर का परफेक्ट स्केयर होगा, तो ये इंटीजर का परफेक्ट स्केयर जाएगा। तो रूट क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस इंटीजर, रूट डी क्या आ जाएगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, अब जितने भी हमारे केस बनते हैं जिनके अंदर ये चीज परफेक्ट स्केयर जाती है, तो उनके अंदर माइनस बी प्लस आई एंड माइनस बी माइनस आई करके इवन नंबर बनेगा ही बनेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में 2 है ये अपने आप कट जाएगा और अपने आप डिनोमिनेटर में 1 बनेगा, जितने भी केसेस हैं सबके अंदर। तो दैट मींस हमें जो टेक केयर करना है वो डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसको हटाने का टेक केयर नहीं करना, ये अपने आप हट जाएगा क्योंकि न्यूमिनेटर में हमेशा इवन नंबर ही बनेगा, तो हमें किसका टेक केयर करना है, ए को 1 करने का। तो दीज आर द कंडीशन कि ए 1 होना चाहिए, बी एंड सी हमारे इंटीजर्स होने चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देन इन दैट केस हमारे इंटीग्रल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो दीज आर द टोटल कंडीशंस जो हमारा ओवरऑल नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है। अगेन ध्यान से ओवरऑल मैं दोबारा पिक्चर बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रूट्स इक्वल एंड रियल, ठीक, एंड क्वाड्रेटिक जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो अनइक्वल रूट्स रहेंगे, लेकिन अगर डी नेगेटिव हुआ तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे और वो कंजुगेट होंगे एक दूसरे के, दैट इज पी प्लस क्यू आइटा एंड पी माइनस क्यू आइटा रूट्स जाएंगे, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट्स हमारे रियल रहेंगे एंड अनइक्वल रहेंगे। ठीक, इसके आगे कि अगर ए बी सी हमारे रैशनल हुए एंड डी पॉजिटिव हुआ तो उसके बाद डी या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स हमारे जाएंगे इरेशनल टाइप के, एंड इरेशनलिटी कौन प्रोड्यूस करेगा, डी, रूट डी। ठीक, तो बेसिकली इसलिए इरेशनलिटी वाला पार्ट जो है वो प्लस एंड माइनस रहेगा, तो पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स हमारे रेशनल आ जाएंगे। इसी के अंदर आगे एक स्पेशल केस की अगर ए 1 हो जाए, बी एंड सी हमारे इंटीजर्स हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स हमारे जाएंगे इंटीजर। अब इसी को समझने के लिए इस पर्टिकुलर चीज का एग्जाम्पल्स देख, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a दैट इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो बोल रहा है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, फाइंड a। अब भाई रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, राइट, तो ऊपर आ जाओ आप इस कंडीशन पे। रूट्स रियल अनइक्वल, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, लेकिन रियल होने चाहिए, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो दीज आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कंडीशन क्या लगी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर क्या आ गया एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू सी, सी ये जाएगा ये दोनों, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6a दैट शुड बी ग्रेटर देन 4, कॉमन लिया 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पे करेंगे सबट्रैक्टिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a प्लस 16 इंटू 4 ग्रेटर देन 0, ये चला जाएगा a कॉमन लेके, माइनस a कॉमन ले लो a माइनस 8 माइनस 2 कॉमन a माइनस 8, तो ये चला गया तुम्हारा माइनस a माइनस 2, तो माइनस कॉमन लेके a प्लस 2 इंटू a माइनस 8 इंटू ये माइनस 4 आ गया ग्रेटर देन 0। माइनस फोर को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा ए प्लस टू इंटू ए माइनस एट इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए याद है वीवी कर्व, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करो आ गया माइनस 2, इसको इक्वल टू 0 करो तो आ गया 8। ठीक, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, यानी कि ये चीज आ गई, यानी कि ए बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 8। अब इक्वालिटी नहीं है ओपन ब्रैकेट, ए बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 8, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, that a lies between minus 2 to 8, यानी कि इस quadratic के अंदर अगर a की value हमारी minus 2 से 8 हुई तो जाके इसके जो roots हैं वो जाएंगे हमारे real and distinct। ठीक है, अब कैसे जाएंगे मैं इसी चीज को प्लॉट करके दिखाता हूं, एंड लेट सी प्लॉट करके ये चीज क्या जा रही है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी ये चीज चेक करो जरा, इक्वेशन थी हमारी x square माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a। ठीक है, इसके अंदर a को वेरी किया, अब ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अभी a की वैल्यू राइट नाउ क्या है 1। ठीक है, ध्यान से चेक करो a की वैल्यू क्या है 1। अब a की वैल्यू अगर 1 है तो देखो एक रूट ये आ रहा है। ठीक है, x एक्सिस को जहां पे टकराएगा वही रूट होगा, एक रूट ये आ रहा है, तो यस दो पॉइंट्स पे टकरा रहा है तो रूट्स रियल होंगे।
राइट। तो यस, अभी तक दो रियल रूट्स आ रहे हैं। अब देखो ए को जैसे मैंने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, अभी भी रियल रूट्स आ रहे हैं, राइट। अब जैसे ही देखो ये चीज देख रहे हो, अब फिर वर्टेक्स ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे ऊपर आया 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 आया, सिक्स पे जाके ये, फिर सेवन पे ये, जैसे ही एग्जैक्टली एट जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही एग्जैक्टली एट जाएगा, ये 7.9 पे है, ठीक है, जैसे ही एग्जैक्टली एट गया तो टच करना शुरू कर गया। तो आर दिस रूट्स इक्वल नाउ? नो। इसलिए एट से पहले पहले अगर मैं देखूं, यस ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, राइट। तो एट के बाद हो जाएगा, रूट्स आएंगे नहीं, इसलिए हमारा जो ए का आंसर आ रहा है वो कहां तक जा रहा है, इसके अंदर ए का आंसर जो जा रहा है हमारा कहां तक जा रहा है, वो एट तक जा रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस सिक्स के, ठीक है, बिल्कुल। तो एट्स के बाद, तो देखो ये एट के बाद रूट्स आ ही नहीं रहे, और माइनस टू से देखो जरा, ये करते 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 माइनस टू तक लेके गए, एंड एग्जैक्टली माइनस टू पे भी टच किया, उसके पहले रूट्स ही नहीं आ रहे। तो इसलिए माइनस टू से लेके, ठीक है, ये देखो ये माइनस टू से लेके कभी भी लेके जाओ एट तक, तो उसके बीच बीच में दो रूट्स आएंगे, और ये चीज हमारा आंसर है। तो दैट इज वाई इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ये इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक सर है। हम लास्ट में नंबर से लाइन को दिखाना वीवी है कर्व क्यों कहते हैं? यार एक एक करके प्रणव बोलो। पहले हम नंबर लाइन वाली चीज को उसको वेवी कर्व क्यों कहते नहीं, हैं? उसको वीवी कर्व नहीं बोलते हैं, उसका नाम वीवी कर्व क्यों, मैं बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अरमान क्या डाउट है? सर मैं कह रहा हूँ नीचे दिखाना है। प्रणव, इसको वीवी कर्व इसलिए, ओके सर। ठीक है, इसको वीवी कर्व इसलिए बोलते हैं, देख रहे हो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता जा रहा है। पॉजिटिव हाँ जी, का मतलब इसको ना ऐसे बनाते हैं, अगर बुक्स वगैरह में देखोगे इट विल बी लाइक दिस, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में अबव बना देते हैं एंड नेगेटिव में बिलो बना देते हैं, इट्स काइंड ऑफ वेव, ये वेव आती है ना एक, ये ऊपर नीचे ये वेव टाइप आई, इसलिए इसका नाम वीवी कर्व बना देते हैं, इसका इसलिए वीवी कर्व है, बट अदरवाइज इसका कोई ऐसा वेव के साथ लेना देना नहीं, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट को वेव चाहे ना भी बनाओ तब भी ये ऐसे रहेगा आंसर, ठीक है। और किसी को एंड वेलकम बाय, ठीक है, चलो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, ठीक है, शो दैट 2 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, ठीक है, करो जरा, शाबाश करो जरा, करो करो। अगला क्वेश्चन है कि इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, प्रूव दैट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी इमेजिनरी।
क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करेंगे, पहला वाला देखो जरा। तो फर्स्ट वाले के अंदर वो क्या बोल रहा है कि भाई इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड सॉरी इक्वल है, ठीक है। अच्छा यार एक ना चीज यहाँ पर, एक क्विक सॉल्यूशन है इसका, एक थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है। लंबा सॉल्यूशन तो क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट यार इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या चीज जाएगा, पी इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल टू फोर इंटू ए दैट इज ए इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया फोर ए सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, एंड बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत गंदी वाली चीजें जाएंगी, ये बहुत गंदी चीजें जाएंगी, ये सिंपल चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जाके बच्चा फंस भी सकता, ठीक है, बट स्टिल देख लो, ठीक है, क्या चीज जाएगी, दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो इधर क्या जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, उसको बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए सी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर ए सी इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो फोर ए सी से मल्टीप्लाई करके फोर ए सी इंटू ए बी, तो फोर ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, फोर ए सी इंटू ए माइनस, तो माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर एंड ये मल्टीप्लाई होके प्लस फोर ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये फोर ए स्क्वायर बी सी, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा आप देखो जरा, तो ए सी बी स्क्वायर, ठीक है, ए सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस फोर, इधर आके प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस टू ए सी बी स्क्वायर, एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स गई, ठीक है। अच्छा तो इसके अलावा ए स्केयर सी स्केयर तो है नहीं, चलो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा फोर ए स्केयर सी स्केयर, ठीक, प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर, ये भी क्या, और इधर आके माइनस फोर ए स्केयर सी बी माइनस फोर ए बी सी स्केयर इक्वल टू जीरो। अब ये यहां पर पहचानना बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली इट इज नथिंग बट ए बी, देखो माइनस जा रहा है इसके अंदर एंड इसके अंदर, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, तो ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो जरा इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब टू ए बी टू बी सी टू ए सी करोगे तो ये तीन टर्म आ जाएंगे। तो यही चीज पहचाननी मुश्किल थी, इसलिए इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा क्या चीज आएगी। तो ये चीज जीरो मतलब क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टू ए सी। तो अब ध्यान से देखो ये क्या गया, बी कॉमन ए प्लस सी दैट इज टू ए सी, ठीक। तो टू ए सी को ए सी को इधर ले आए, बी को इधर ले गए, ए प्लस सी बाय ए सी दैट इज इक्वल टू टू बाय बी, यानी कि वन बाय ए प्लस वन बाय सी इज इक्वल टू टू बाय बी, और ये चीज हम प्रूव करने थे। सो इट्स नॉट सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू करूंगा इट्स नॉट सिंपल। अब इसका शॉर्टकट क्या, पहले शॉर्टकट देख लो फिर मैं डाउट लेता हूँ। शॉर्टकट क्या है कि ये चीज ना, अब देख के ये इक्वेशंस देख के तुम्हें पता चलना चाहिए ये किस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, ये इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन ऐसी है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैंने x को वन पुट कर दिया तो क्या जाएगा, सिमेट्रिक है ना इक्वेशन, a की जगह b, b की जगह c, b की जगह c, c की जगह a, c की जगह a की जगह b, तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, साइक्लिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब ऐसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू वन या माइनस वन हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू वन पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी इंटू वन प्लस बी सी माइनस ए बी इंटू वन प्लस ए सी माइनस सी बी। तो देखो ए सी कटा, बी सी कटा, ए बी कटा, तो यानी कि यस इसका रूट x इक्वल टू वन है, और ऊपर से वो इक्वल रूट्स बोल रहा है, तो दोनों के रूट्स दोनों रूट्स इसके वन वन है। तो अब दोनों रूट्स इसके अगर वन है तो इसका अल्फा भी वन है बीटा भी वन है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वन होगा, तो सी बाय ए वन जाएगा। तो सी बाय ए वन मतलब दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू वन, यानी कि सी ए मल्टीप्लाई कर दिया, सी ए माइनस सी बी डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी दैट शुड बी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी माइनस सी बी दैट शुड बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो देखो ये ए सी इधर आ गया, तो ए सी प्लस ए सी टू ए सी दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके ए बी प्लस बी सी, तो बी कॉमन ए प्लस सी दैट इज टू ए सी, राइट। अब इसको इधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, तो टू बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय ए सी,
दैट इज 1 बाय a प्लस 1 बाय c हेंस ग्रो. ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऐसी इक्वेशंस को पहचानना आना चाहिए. तो साइक्लिक इक्वेशंस को वैसे भी याद रखो वो बहुत काम आती है. ठीक है, अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट था प्लीज. एंड वाला पार्ट नहीं समझ आया जो आपने पहले वाले मेथड का, ये वाला चीज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पता चला कि इसके पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला. तो AC नीचे आ गया, A प्लस सी के नीचे AC आ गया, ये 2 के नीचे B आ गया. अब ये क्या चला जाएगा, A डिवाइडेड बाय AC प्लस C डिवाइडेड बाय AC. A A कटेगा तो 1 बाय C, C C कटेगा 1 बाय A, तो 1 बाय A प्लस 1 बाय C. ठीक है, चलो अब सेकंड देखो जरा. सेकंड में क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अगर पहली वाली इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो दूसरी वाली की इमेजिनरी होंगे, ये प्रूव करना. ठीक है, तो देखो पहली वाली के रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. तो यानी कि बी स्केयर यानी कि माइनस टू सी का स्केयर यानी कि फोर सी स्केयर, बी स्केयर माइनस फोर इंटू वन इंटू ए बी फिर भी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फोर कॉमन सी स्केयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि सी स्केयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो. तो इस कंडीशन को कुछ कहीं ना कहीं यूज करेंगे आप सेकंड में. अब इसके रूट्स देखते हैं क्या आएगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा हमने क्या आएगा, यानी कि बी स्केयर यानी कि इसका स्केयर 4 into a plus b का स्केयर माइनस 4 into 1 into this that is a square plus b square plus 2c square. ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square minus 2c square. a square b square a square b square कटा, तो इन दोनों में से 2 भी कॉमन आके बाहर आ गया, तो ये हो गया 8. इधर आ गया ए बी माइनस सी स्केयर, माइनस एन को मिलेगा बाहर, माइनस एट इंटू सी स्केयर माइनस ए बी. तो सी स्केयर माइनस ए बी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटू माइनस एट, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होगी, लेस देन जीरो. तो यस, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, मतलब ऑब्वियसली इसके रूट जो है वो इमेजिनरी ही होंगे, जो मर्जी होता है. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें. ठीक है, गुड गुड. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज अभी हमने की है, ठीक है, इसी के रिलेटेड मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा आज. ठीक है, एंड यही है हमारा नेचर ऑफ. ठीक है, चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, थैंक यू.